नमस्कार दोस्तों, मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश को लेकर आज एक बार फिर से भारी चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि यूपी, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश सहित कई और राज्य भी शामिल है जिनमें बारिश होने की आज और कल पूरी संभावना है और जिनके कारण एक बार फिर से भारी चेतावनी जारी करते हुए लोगों को भी सतर्क रहने को कह दिया है। तो एक एक करके सभी राज्यों का मौसम का हाल विस्तार रूप से मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, कहाँ पर बारिश होने वाली है और कहाँ पर जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने को कह दिया है। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और जो लाल वाला बटन है इसको दबाकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो पास वाला बेल आइकन है इसको भी जरूर से दबा दीजिएगा और यहाँ नीचे आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने राज्य, जिले, क्षेत्र या अपने गाँव का नाम, आप जहाँ कहीं पर भी रहते हैं हमें कमेंट करके सही सही से जरूर बता दीजिएगा ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित, आपके गाँव से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। तो फटाफट से जानते हैं मौसम काल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि अगले आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल के कुछ हिस्सों में और लक्षद्वीप में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। वहीं तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है और कर्नाटक में भी एक या दो जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा जता दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर और उत्तराखंड के एक या दो स्थानों पर आज और कल हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर हिमपात होने की भी पूरी संभावना है। वहीं पंजाब, उत्तरी राजस्थान और हरियाणा में भी एक दो जगहों पर हल्की बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, बात कर ली जाए कि देश भर का मौसमी सिस्टम है जो क्या कहता है। तो दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्रों पर एक कम दबाव का क्षेत्र अब जो है कमजोर हो चुका है। वहीं संबंधित चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र भी जो है अभी भी बना हुआ है। वहीं एक ट्रफ रेखा है जो दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बने हुए चक्रवाती परे संचरण से बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी तक फैली हुई है। वहीं पश्चिम विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे जम्मू कश्मीर पर बना हुआ है, जबकि एक प्रेरित हवाओं का चक्रवाती क्षेत्र है जो मध्य पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों पर बन चुका है। वहीं एक कम दबाव का क्षेत्र भी है जो अगले दो दिनों के आसपास हमारे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों को विकसित होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों, बात करें कि बीते 24 घंटों के दौरान जो है संपूर्ण भारत का मौसम कैसा रहा, यानी कि कहां पर बारिश हुई और कहां पर जो है आंधी तूफान देखने को मिला है। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर मध्यम से लेकर भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्सों में, केरल, रायलसीमा और लक्षद्वीप में भी जो है हल्की से लेकर मध्यम बारिश हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर हिमपात भी दर्ज किया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश में छिटपुट हिमपात के साथ ही हल्की बारिश हुई है। वहीं उत्तरी पंजाब और उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भी छिटपुट हल्की बारिश दर्ज की गई है बीते 24 घंटों के दौरान। तो दोस्तों, यह था संपूर्ण भारत का अगले आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम का पूर्वानुमान। भी आपके क्षेत्र का मौसम कैसा है और आप किस क्षेत्र से हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा ताकि अगले आने वाले वीडियो में जो है हम आपको आपके क्षेत्र से संबंधित, आपके गाँव से संबंधित मौसम की सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करा सकें। और अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर से कर देवें और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।